तो ये नॉर्डस्टॉर्म शोरूम है, इसमें आई गेस हर तरीके के ब्रांड्स रखे हुए हैं, जैसे गुची हुआ और ये प्राडा। ये मॉन्स्टर है, shoes, sandals, footwear. Stuart Whitman. Yeah, bags collection. देखते हैं इसका प्राइस क्या है। ओके, इसका प्राइस है $458 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज इक्वल टू 24,000। यस, अच्छा अच्छी लग रही है ना। $495 की जैकेट है ये, गोल्डन वाली। लुक एट द क्राउड गाइस। Sephora. जैकेट सबसे महंगी, हाँ, $1,200-1,300 की आती है जैकेट। तो ये है कनाडा गूज, यहाँ पे विंटर जैकेट्स $1,100-1,200 की है। आई गेस सबसे एक्सपेंसिव जैकेट्स जो है वो यहीं पे मिलती है कनाडा गूज पे, या विंटर जैकेट्स। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ब्राउज करना है, कुछ सर्च करना है, तो आप इस तरीके से करोगे। हमें फास्ट फूड, भूख लग रही है, कुछ खाना है, तो हम यहाँ सर्च कर रहे हैं टिम हॉर्टन्स। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें लोकेशन बता देगा कि हम यहाँ पे level 3 पे हैं और वहाँ पे टिम हॉर्टन्स है। तो हमें पहले level 2 पे जाना है, फिर और थोड़ा नीचे, लास्ट में यहाँ है हमारी डेस्टिनेशन, विच इज़ टिम हॉर्टन्स।
या और ये इसने और ब्रीफ करके दिखा दिया कि टिम हॉर्टन्स के आसपास ये सारी चीज़ें हैं. या दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब चलते हैं सीधे टिम हॉर्टन्स क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है. जी मेंस है और मैं इसमें आपको शूज़ का प्राइस बता दूँ. पहले आप शूज़ देख लो कैसा है. ये है शूज़ और इसका प्राइस. अब अगर आप देखोगे अंदर इट्स $1,215. फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में सस्ता है. यप ये वॉल्विन पेरिस का शूज़ अर्जुन देख रहे हैं. अरे बड़ा सही शूज़ है अर्जुन. ये तो इसके ऐसे ही होते हैं साबित. हाँ कितना मस्त ऐसे बाइकर वाला फील आ रहा है इसमें. स्पोर्ट्स वाला कितने का ये? ओके $1,750 अप्रॉक्स. 1,00,000 रुपये का. यस इसके सारे शूज़ मैं आपको दिखाती हूँ. ये मस्टर्ड वाला और ये है $1,150. गुची प्राडा ऑलमोस्ट सेम ही है इनका प्राइस है ना. ओके बैलेंस ही आ गाइस हियर. यार इसका ना मुझे स्टैंड मुझे समझ नहीं आता. मतलब ऐसा कुछ लेने वाला नहीं लगता कि ले लो. अजीब सा है देखो जरा. क्या और प्राइस कितना है? 1,290. प्राडा से हाँ. अच्छा उधर भी है बैलेंस ही आगा के शूज़. ये तो मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं. ये फिर भी ठीक है. ये वाले शूज़ फिर भी ठीक है अर्जुन है ना. हाँ बैलेंसियागा थे इसके शूज़. ये लग रहे हैं अच्छे हैं इसके शूज़ काफ़ी. यस देखो ये कितना अच्छा शूज़ है. एंड ये वाला भी अच्छा है. लेट मी सी ये कितने का है. दिस वन इज़ फॉर $1,495 $1,500. अच्छे हैं इसके शूज. तो स्लिपर्स देखिए इसकी. तो स्लिपर्स हैं $415 की. ओके गाइस तो मैं अभी हमने सिर्फ 20% ही घूमा. 20% घूम लिया. ऑलमोस्ट 20% घूम लिया. मैं तो गई थक. मैं तो बैठी हूँ अपने. आज मम्मा बाल खराब कर रहे हैं. ऐसे करता है ये लड़का. चलो उठना तो पड़ेगा. अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे. मैं आपको दिखाऊंगी फिर हम कहाँ क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं अब. इट्स फन. स्टॉप्ड एट वर्साचे. व्हाट्स द प्राइस? 1,325. गुची प्राडा बेलेंसियागा वर्साचे सबका प्राइस सिमिलर है. लेट्स गो बैक एंड ईट समथिंग. आई एम हंग्री. ये आ गए हैं हम अपने फूड सेक्शन पे. यहाँ सिर्फ खाना ही खाना मिलेगा. अब हम लोग आ गए हैं टिम हॉर्टन्स और यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर करते हैं. भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज. तो अर्जुन मेरे ख्याल से KFC से कुछ ऑर्डर करने गए हैं और मुझे वेज खाना है. तो यहाँ टिम हॉर्टन्स पे वेज मिल जाएगा. तो प्रॉब्ली मैं कॉफ़ी लूँगी और मेरे ख्याल से बेगल ले लूँगी, क्रोसांट ले लूँगी. या तो मैं ऑर्डर करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. तो भाई मैं तो अपनी सीट ऑक्यूपाई करके बैठ गई हूँ. अर्जुन ने टेक ओवर कर लिया. अर्जुन ऑर्डर करने गए हैं. KFC भी कर देंगे. और ये मुझे पता है आप लोग ऑब्जर्व करोगे. इससे पहले मैं बता देती हूँ ये पता नहीं मेरे कुछ इंडाइजेशन की वजह से कुछ एक्ने सॉर्ट ऑफ निकला था. उसको मैंने फील कर दिया तो ये इस तरीके से ऐसे हो गया. एनीवेज तो अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है.
अभी फिर से कुछ खा के, क्योंकि ये तो 7 बजे तक खुला है। वीकेंड्स पे ना यहाँ पे सारे शोरूम जितने भी मॉल्स वगैरह हैं सब जल्दी बंद हो जाते हैं, 6 PM या 7 PM तक बंद हो जाते हैं। तो अभी कुछ खा के फिर वापस एक्सप्लोर करेंगे। एंड यस, अच्छी जगह है, मतलब वैसे तो नहीं कि बहुत अच्छी है, बट अच्छी है, टाइम पास है, वीकेंड पर अच्छा हुआ निकला है हम यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल गई। और ये टोरंटो है, काफ़ी हैपनिंग है यहाँ पे, जैसे ब्रैम्पटन में तो सब शांति है और ऐसे कुछ इतना शोर वगैरह नहीं होता, ना इतना क्राउड होता, बट यहाँ पे टोरंटो में रात को 10-11 बजे तक, आई गेस 10-11 बजे तक काफ़ी शोर और काफ़ी अच्छे से क्राउड गैदर रहता है, मतलब क्राउडेड एरिया है ये। तो अभी यस, वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, वेटिंग फॉर द स्नैक्स, और बस वो खा के और ये मैंने मंगाया था जोनट, जो मैंने मंगाया था वो तो था नहीं, बट मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आया हूँ। अर्जुन चॉकलेट डिप डोनट लेके आए हैं मेरे लिए एंड चीज क्रोसान। तो मैं यही बोल रही थी आपको कि बहुत तेज भूख लगी है, वेज में मेरे लिए सब कुछ आ गया है यहाँ पे। कहीं भी जाओ आप, टिम होटल्स तो होता ही होता है, तो बाहर अगर आपको बहुत तेज भूख लग रही है और आप वेजिटेरियन हो तो टिम होटल्स इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तो अभी मैं अपनी मील इंजॉय करती हूँ और आपको फिर मिलती हूँ। यहाँ पे बहुत गर्मी है, अंदर घुटन हो रही है, कॉफ़ी पी के तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि जैकेट उतारनी पड़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बहुत गंदा लग रहा है ना, चोट। ओके जी, पेट पूजा हो गई है, अब वापस से चलते हैं शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करने। शर्मा नहीं है क्या है, चिकन सोनाकी जिमी द ग्रीक से ऑर्डर किया है अर्जुन ने, वो रहा जिमी द ग्रीक। क्या ऑर्डर किया है, चिकन सोलाकी, चिकन सोराकी, सोलाकी, सुराकी, चिकन सुराकी, सुलाकी, चिकन सुलाकी। अब यहाँ आके तो मैं ऐसे ऐसे डिशेज ही खाओगे यार। वैसे अर्जुन ने बहुत दिनों बाद नॉनवेज खाया है। ओके, सो वी हैव समथिंग मोर इन वेजिटेरियन। Okay, so this is pizza and this is garlic bread, right? Yeah. Yeah. दो दे दिए क्या? पानी, पानी का मैं बताती हूँ गाइज, अगर आप लोग अपने घर से बॉटल नहीं लेके चल रहे हैं पानी की, तो आपको पानी खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे पानी के पैसे हैं। कितने की एक बॉटल है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, $1 से कम की तो नहीं होगी ना। ये छोटी सी बॉटल 60 रुपए की है, $1 की, तो हम बॉटल लानी भूल गए थे। अब हम अपनी मील इंजॉय करते हैं और मैं आपसे फिर मिलती हूँ। हम लोग तो खाने में इतना टाइम लग रहा है, हम घूमेंगे भी या नहीं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके बाय। हमें बच गए हैं शाम के 6 घूमते घूमते, और अभी हमने ये कम्प्लीट नहीं किया ये मॉल। हाँ अर्जुन थक गया, अब अगली बार के लिए छोड़ दिया हमने, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गए। एक दिन में तो हम नहीं कवर कर सकते सारी चीज़ें, पर आइडिया हो गया कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड हैं, क्या प्राइसेस हैं। हम कितनी देर में निकलेंगे अर्जुन यहाँ से, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक? अर्जुन को इतना पसंद है ना घूमना, इतना ज़्यादा पसंद है, अगर ये 9 बजे तक भी खुला होता तो अर्जुन 9 बजे तक यहीं रहते हैं ना अर्जुन? हाँ बिल्कुल। यस बिल्कुल सही कहा, और मेरे पैरों की बच गई है बैंड। डे वेल स्पेंट कह सकते हैं अर्जुन से, है ना? हम कहेंगे कहेंगे हम कहेंगे हम कहेंगे डे वेल स्पेंट। अरिथिया तो घूमा हुआ है मैंने। हाँ अरे ये तो जब निखिल के साथ नहीं गए थे, कौन से टोरंटो कौन से मॉल आउटलेट्स नहीं गए थे, प्रीमियम आउटलेट्स, वहाँ पे खाई है जी, तब गए थे। मशीन की क्या लगा पता नहीं।
ओके गाइस, तो ये बहुत फेमस आउटलेट है पेंडोरा, बहुत फेमस आउटलेट है यहाँ का, कनाडा का। मैं वहाँ रिकॉर्ड करना भूल गई थी अपना वॉइस, तो मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। यहाँ पे ना सिल्वर ज्वेलरी मिलती है, काफ़ी सुंदर ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स और एंकलेट्स, इस तरह की ज्वेलरी मिलती है, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी ज्वेलरी मिलती है। ओके सो ये एक नया यूनिट खुला है H&M में, H&M होम। इंडिया में नहीं है H&M होम, बट यहाँ पे है। तो ये सारे आइटम्स लगे हुए हैं होम डेकोर के। तो फिजिकली जाके चेक कर लेते हैं कि कनाडा गूस की जैकेट्स का प्राइस क्या है। ओके सो बताया था ना 1100 से 1200 की रेंज है, बट ये 1400 के डॉलर्स का है जैकेट। और ये कौन से वेदर के लिए है, -30, एक्सट्रीम -30 एंड बिलो। कूल, ये तो लॉन्ग जैकेट थी। अगर शॉर्ट जैकेट्स देखें तो उसका प्राइस है 1250, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये भी -15 -25 डिग्री के लिए है, ये भी लॉन्ग ही है। शॉर्ट जैकेट का प्राइस चेक करते हैं, पर्पल वाली चेक करते हैं। ये है जैकेट, इसका प्राइस भी 1250 है, -10 और -20 के लिए। सो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। ओके तो मेंस जैकेट्स का प्राइस भी चेक कर लेते हैं। ये है मेंस जैकेट एंड इसका प्राइस है 1550 और एक्सपेंसिव है। एंड दिस वन इज फॉर माइनस, वेदर नहीं लिखा हुआ है इस पे। हाँ फिर तभी तो, फिर लाइफ टाइम वारंटी है तभी तो इतनी एक्सपेंसिव दे भी रहे ये। और ये बहुत विंटर्स बहुत अच्छी निकाल देगी और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी अर्जुन, लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम वारंटी। हाँ फिर सही है ना कि यहाँ की विंटर्स तो हार्श होती हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर लो। लुक वाइज भी अच्छी है और प्राइस तो खैर है ही अच्छा।